हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सुप्रभात. आज मैं ले रही हूँ कक्षा पहली. ओके, तो बच्चों आज मैं क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड ले रही हूँ. विषय है हिंदी. तो बच्चों आप भी अपना ये हिंदी हिंदी बुक रिमझिम वन ओपन कीजिए. बच्चों आज का जो वर्क होगा वो है रिमझिम वन में से, रिमझिम वन में से. उसी के साथ मैं आज नए चार शब्द भी हिंदी रीडर में से भी देने वाली हूँ. ओके, तो बच्चों हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में, जैसे कि चुक चुक गाड़ी जो मैं कविता थी ना बच्चों, आपको मैंने समझाया है. ओके, तो आज नया लेसन जो है ना रसोई घर, रसोई घर में आपको ये नया पार्ट सिखाने वाली हूँ. कौन सा नया पार्ट? रसोई घर. रसोई घर यानी क्या बच्चों, आपको मालूम है? रसोई घर यानी किचन. बच्चों रसोई घर यानी आपको मालूम है? रसोई घर यानी किचन. आपके घर में किचन आप देखते हो ना हर रोज, वहां आपकी माँ जो खाना बनाती है ना बच्चों आपके लिए. ओके, वहां कौन से सामान आप देखते हो रसोई घर में? तो हम पहले रसोई घर के जो भी उसमें आपके घर में क्या क्या है आप भी थोड़ा ऑब्जर्व करो. ओके, आप ही बच्चों रिमझिम टू पेज नंबर 56 ओपन करो. जैसे कि यहां देखो, रसोई घर में क्या क्या होता है यानी किचन में कौन से सामान होते हैं ये आपको देखना है. आपके घर में भी थोड़ा ऑब्जर्व करो बच्चों क्या क्या है. यहाँ देखो, माँ खाना बना रही है, खाना बना रही है ना, जैसे कि देखो. ओके, यहाँ रोटी है, रोटी बना रही है. यहाँ एक बच्चा खेल कर रहा है चावल के साथ. दादी माँ कुछ पढ़ रही है. यहाँ सब्जियाँ है. ओके, यहाँ कुछ डिब्बे है, ग्लास है. ओके, यहाँ देखो थाली है. ओके बच्चों, यहाँ कुछ चम्मच है, कढ़ाई है. बच्चों हर एक यहाँ रसोई घर में बेलन दिख रहा है, चकला, बेलन, चाकू. ओके, आपके घर में ये सब सामान होगा आपको बच्चों देखा है ना. यहाँ देखो एक चूहा अंगूठी के अंदर छुपा बैठा है. ओके, तो बच्चों यहाँ देखो ये रसोई घर में आपने जो जो देखते हो ना इसके बारे में एक कविता कविता है. मधुपंत जी ने एक कविता लिखा है. ओके, तो हम शुरू करते हैं रसोई घर. कविता क्रमांक है 7, रसोई घर. बच्चों आप यहाँ क्या क्या देख रहे हो मुझे थोड़ा बताओ मुझे. रसोई घर में क्या क्या है देखो. यहाँ है चकला, बेलन, चकला, बेलन, चाकू है. ओके, चाकू है, थाली. ओके बच्चों, बहुत से ऐसे यहाँ देखो छलनी है. तो बच्चों यहाँ देखो रसोई घर में ये जो सामान है ना सभी अपने आप कैसे बोल रहे हैं. दो बच्चे अंदर जाते ही वो देख के आश्चर्य से देख रहे हैं कि अरे बाबा, रसोई घर में चकला, बेलन, चाकू ये सब क्या कर रहे हैं. वो आश्चर्य से देख रहे हैं. ओके बच्चों, यहाँ देखो पहले मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ. ओके, आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं. आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं. अंदर देखा चकला, बेलन, चाकू, छलनी बोल रहे हैं. यानी चकला, मुन्ना मुन्नी यानी एक लड़का लड़की अपने घर में यानी मुन्ना मुन्नी घर में रसोई घर का खिड़की ऐसे खोल रहे हैं. खोलते ही उन्हें क्या दिख रहा है बच्चों? उन्हें दिखा चकला, बेलन, चकला, बेलन और चाकू, छलनी बोल रहे हैं. ऐसे कल्पना करो, बोल रहे हैं, एक दोनों बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं देखो, अपना अपना काम एक हर एक को बोल रहे हैं. मैं एक काम करता हूँ, वो काम करता हूँ. जैसे कि देखो चकला, बेलन क्या करते हैं बच्चों बोलो. चकला, बेलन
क्या करते हैं, हमें रोटी उसमें अच्छे से हम रोटी बनाते हैं ना, चपाती बनाते हैं ना बच्चों। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। यानी चाकू क्या करता है बच्चों, फल सब्जी जो भी सैलड जैसा हम काट के रखते हैं ना सब्जी काटने में, ये बहुत ही मददगार होता है चाकू। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। जैसे कि बच्चों एक एप्पल है, ओके, ऐसा एक एप्पल है, आप ऐसे ही खाओगे तो सभी को नहीं मिलेगा, जैसे कि अकेले ही खाना पड़ेगा। चाकू लेके हर एक ऐसे काट के सभी को आप दे सकते हो, ऐसे कट करके सभी को दे सकते हो। किसकी मदद से, चाकू की मदद से। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखकर सजकर। यानी जो सब्जियां होते हैं, जो सैलड जैसे हम कच्चा खा सकते हैं, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गाजर मूली ऐसे लेके उसे गोल गोल ऐसे पीस बनाकर ऐसे थाली में सजाकर रखो। किससे, किसकी मदद से, चाकू की मदद से, ओके। उसी के साथ यहाँ देखो बच्चों, यहाँ नीचे क्या दिख रहा है आपको, थाली। गोल चांदी सी हूं मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। थाली है, हम इसमें खाना खाते हैं ना बच्चों, हम इसमें खाना खाते हैं ना। तो बच्चों क्या बोल रहा है यहाँ देखो, गोल चांद सी हूं मैं थाली, बज सकता हूँ बनकर थाली। थाली यानी ये जो थाली है ना, कभी कभार में ताली भी बजा, ताली जैसा बजा सकता हूँ। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। थाली में हम क्या करते हैं बच्चों, थाली में हम सब्जी रोटी चावल ऐसे सब डाल के खाना खाते हैं ना। तो बच्चों यहाँ देखो, रसोई घर में जो भी सामान होता है ना, वो अपना अपना काम के बारे में बोल रहा है, जिससे कि हमें किस तरह से मदद करते हैं, ओके। तो कौन देख रहा है, मुन्ना मुन्नी देख रहे थे, इनका खेल जो खेल रहे थे ना, जैसे कि चकला बेलन चाकू थाली, ये सब क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, मैं ये काम करता हूँ वो काम करता हूँ, ओके। तो और एक बार आपको मैं समझाती हूँ कि आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। यानी रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, खोले तो देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे थे आपस में। चाकू पहले क्या बोलता है देखो, मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। मैं जो चाकू हूं ना, सब्जी या फल काटूं तो सबको खाने के लिए पीस जो एक एक टुकड़ा मिल सकता है मेरे वजह से, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गाजर मूली प्याज टमाटर जो सैलड जैसे हम कच्चा खाते हैं, ऐसे खा सकते क्या, अच्छे से गोल गोल काट के ऐसे थाली में सजा कर रख सकते हैं, ओके। तो यहाँ तीसरे नंबर पे यहाँ देखो थाली के बारे में है, गोल चांद सी हूं मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। थाली क्या बोलता है, कभी कभार मुझे लेकर ताली जैसे मारते हैं, सभी इसमें खाना खाते हैं। मुझमें रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। मुझमें क्या किया, एक थाली में सब्जी रोटी चावल जो भी है इसमें डाल के सभी लोग खाते हैं, झटपट खा लेते हैं। यानी इस रसोई घर में जो भी सामान रहता है, जो भी वस्तुएं होती हैं, वो आपस में बात कर रहे थे। कौन देखते हैं, मुन्ना मुन्नी देखते हैं बच्चों। तो कुछ बच्चों थोड़ा प्रैक्टिस करो, यहाँ कुछ यहाँ फिल इन द ब्लैंक से रिक्त स्थान है आपको, यहाँ कुछ और काम,
क्या क्या करना है देखो, मैं चाकू हूं, मैं सब्जी क्या करता है, चाकू क्या करता है, मैं सब्जी, यहां देखो, मैं सब्जी फल काटू, फल काटू। बच्चों मैं बाद में आपको ये फोटो ग्रुप में छोड़ूंगी, आप भी अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करो। नेक्स्ट, चाकू का काम क्या है, मैं चाकू हूं, मैं सब्जी फल काटू। उसी के साथ अब चकला बेलन, हम चकला बेलन है, क्या है, चकला बेलन है, बेलन, इसे चकला और बेलन बोलते हैं। हम रोटी बेलते हैं, रोटी यानी चपाती जैसे, रोटी बेलते हैं। मैं चाय पीने के लिए क्या होता है, छलनी, मैं छलनी हूं, सॉरी, मैं छलनी हूं, मैं चाय छानती हूं, चाय, चाय पीते हो ना बच्चों, छलनी में डाल के ऐसे छान के ही पीते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि चाकू का काम क्या था, फल काटू, चकला बेलन क्या है, रोटी काटते हैं, छलनी का काम क्या है, करता है चाय दूध वगैरह छानता है। यहाँ देखो थाली दिखता है ना बच्चों, मैं थाली हूँ, मैं थाली हूँ, मुझ में खाना खाओ, मैंने क्या बोलता है, मैं थाली हूँ, हाँ मैं प्लेट हूँ, तो मुझ में क्या करो, खाना खाओ, खाना खाओ। मैं छिलनी हूँ, छिलनी यानी, यहाँ देखो जैसे कि फलों के ऊपर थोड़ा सा ऊपर छिलके जो भी होते हैं ना बच्चों, वो छिलने के लिए छिलनी होती है। ओके, मैं छिलनी हूं, मुझे छिलका, छिला, छीला, ऊपर का कवर जो होता है ना, छीला जाता है। सब्जी का कभी कभार ऊपर का जो होता है ना बच्चों, छिलने के लिए ऐसी सामग्री का उपयोग होता है। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों और कुछ है, यहाँ देखो, सही गलत, इन ट्रू और फॉल्स, रसोई घर का चित्र देखो और बताओ। रसोई घर का चित्र अभी मैंने दिखाया है, पतीला चूल्हे के नीचे है क्या, देखो पतीला चूल्हे के नीचे है, नहीं चूल्हे के ऊपर है ना, तो रॉन्ग है। चूहा अंगीठी के अंदर है, चूहा देखो आप भी अपना पेज में देखो, चूहा कहाँ है, अंगूठी का अंदर है ना, यहाँ देखो छुप कर बैठा है ना, तो करेक्ट सही है। टोकरी में आम रखे हैं, देखो टोकरी में आम है क्या, यहाँ देखो टोकरी में आम दिखता है क्या आपको, नहीं, लौकी है, टमाटर है, गोभी है, लेकिन फल नहीं है, टोकरी में आम नहीं है, तो इसे गलत बोलो। अक्षय, यहाँ देखो अक्षय चावल बीन रहा है, अक्षय यहाँ एक बच्चा चावल के साथ खेल रहा है ना, यस, यानी बीन रहा है, देख रहा है, यहाँ करेक्ट करो। माँ खाना बना रही है, हाँ खाना बना रही है, आले में लालटेन रखी है, यहाँ देखो लालटेन, यहाँ देखो लालटेन है ना बच्चों, रखी है। दादी किताब पढ़ रहे हैं, यहाँ देखो दादी किताब पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, करेक्ट। सुहानी खिड़की से झांक रही है, सुहानी को देखो खिड़की से झांक रही है क्या, यहाँ देखो यानी बिल्ली, यस, यानी ये बच्चों आपको भी सही गलत करना है। तो बच्चों काम ही काम, काम ही काम यानी क्या, यहाँ क्या काम हो रहा है उसे गोल लगाओ। यहाँ चित्र में देखो माँ पूरी तल रही है, तो सेकना, बेलना, तलना, तो किस पे आप करोगे, तल रहे हैं ना तेल में, तो तलना, इस पर गोल करो आप ही। ओके, किनसे काटोगे, यानी कट करना है, चाकू, चाकू से काट सकते हो ना फल सब्जी, यस, तो बच्चों इस पे ऐसे राइट मार्क करो। सिलबट्टा पे काट सकते हो क्या, नहीं। छलनी से, छिलनी से काट सकते हो क्या, नहीं। फसल से,
यानी हम काट सकते हैं सब्जी फल, दांव से काट सकते हैं, कैंची से नहीं, हथौड़ा से नहीं, गुलेल से भी फल काट सकते हैं क्या? नहीं, ढक्कन से नहीं। फसल का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश भागों में फल सब्जी काटने के लिए, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और कई ऐसे राज्यों में, हमारे घर में भी ऐसे फसल होते हैं बच्चों। ओके किससे क्या काटोगे? यानी आपको यहाँ देखो, कैंची से, चाकू से आपको कंपैरिजन करना है। कैंची यानी सीजर, ओके, चाकू से यानी मालूम है आपको, नाइफ से। तो यहाँ देखो, कपड़ा चाकू से काट सकते हो क्या? नहीं, कैंची से। कागज, कागज कैंची से। आम चाकू से। बैंगन चाकू से। रस्सी कैंची से। सेब चाकू से। गन्ना, गन्ना चाकू से काट सकते हैं हम। तो बच्चों यहाँ देखो, पूरा आपको लिख के व्हाट्सएप पे आपको दे दूंगी, उसी के साथ शाबाश। अब चित्र में रंग भरो, जैसे कि बिंदु जोड़कर चित्र पूरा करो। आपको बिंदु जोड़ना है, जैसे एक हाथी बनता है बच्चों, ऐसे जोड़ के, यहाँ देखो ऐसे जोड़ जोड़ते, ऐसे एक खेल है, ये करना है आपको, ऐसे जोड़ना है बच्चों। जैसे कि देखो, जैसे यहाँ देखो दिख रहा है आपको, ऐसे नीचे ज्वाइंट करके आना है बच्चों आपको। जैसे यहाँ देखो, ये पूरा कंप्लीट करना है। ओके पूरा कंप्लीट करो, जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, उसी तरह से आप भी पूरा कंप्लीट करो बच्चों। यहाँ पूरा ज्वाइंट करके ऐसे, ओके, ये बन गया हाथी। हाथी का कलर ग्रे रंग का होता है ना, नहीं आपको कलर करना है। तो बच्चों व्हाट्सएप पे आपको ये सब फोटो में दे दूंगी, आप ये पूरा कंप्लीट करो बच्चों। और एक वर्क है आपके लिए, जैसे कि मैं कल आपको यहाँ दिया था, मैंने र से रथ, ल से लड्डू गिनती दिए थे मैंने। अब नेक्स्ट में आज देने वाली हूँ व से वजन, श से शरबत और श से कोश। कोश यानी धन रखने के लिए, गहने रखने के लिए कोष रहता है, डिब्बा रहता है। अस से सड़क, ये चार वर्ड्स देने वाली हूँ अपने बुक में, आप भी अच्छी तरह से लिखो। जैसे कि थोड़े थोड़े एग्जाम्पल में यहाँ दिखाती हूँ, आप भी ऐसे बोल के लिखो बच्चों। ओके जैसे कि देखो, व से वजन, व से वजन, व से वजन, वजन इजी है बच्चों। व से वजन, व से वजन, व से वजन, व से वजन। तो बच्चों यहाँ देखो, व से वजन में पूरा यहाँ लिखा है, व से वजन। तो नेक्स्ट आपको लिखना है श से शरबत। श से शब्द बनता है शरबत, श से शरबत, श से शरबत, श से शरबत, श से शरबत। तो बच्चों यहाँ देखो, श से शरबत। नेक्स्ट बच्चों आपको लिखना है श से कोश। श यहाँ आया है देखो, श से कोश, धन रखने के लिए, पैसे रखने के लिए, कोश ऐसे, श से कोश, श से कोश, श से कोश, श से कोश।
बच्चों आप भी हैंडराइटिंग अच्छा कर राइट करके श से कोश, ओके श से कोश। बाद में यहां स से सड़क लिखना है, सड़क यानी रोड, स से सड़क, स से सड़क, स से सड़क। ओके बच्चों, आज का क्लास खत्म होता है। आपको नए चार वर्ड्स लिखना है, टेक्स्ट बुक में वर्क दे रही हूं, टेक्स्ट बुक में वर्क कंप्लीट करो। ओके, स से सड़क। स से सड़क, स से सड़क। ओके तो बच्चों, इस तरह से आप अपने बुक में पूरा लिखो। आज का क्लास खत्म करते हैं, धन्यवाद।